40 की हो चली थी मैं, पर अकेली थी क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद ही पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, बच्चे थे नहीं और फिर दोबारा शादी का मन नहीं बना पाई। लेकिन अब न जाने क्यों प्यार का कीड़ा रह रह कर मुझे काटने लगा। अब प्यार कहूँ या आकर्षण पता नहीं, पर जॉगिंग के वक्त उसका रोज़ मुझे यूँ छिप छिप कर देखना, पहले तो अखरता था पर अब अच्छा लगने लगा था। उस पर वो मुझे रह रह कर किसी की याद दिलाता था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदाज भी मुझे बीते दिनों में ले जाता है। अरे ये क्या सोच रही हूँ मैं आजकल। मैं मन को समझाती हूँ कि अरे मालिनी पागल हो गई है क्या, ये कोई उम्र है प्यार करने की, जो जवानी में नहीं किया वो अब क्यों, और वो भी खुद से इतनी छोटी उम्र के लड़के से। खैर ये जो भी एहसास था बड़ा मज़ेदार था। तभी डोर बेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो हक्की बक्की रह गई, सामने वही था। आज आप जॉगिंग के लिए नहीं आई, मैंने बहुत मिस किया आपको, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ क्यों नहीं आओ। शुक्र है उस वक्त घर में मेरी हाउस हेल्पर कमला थी, वरना एक अनजान लड़के को ऐसे कैसे अंदर आने देती। कमला दो कप चाय बना ला, मैंने कमला को कहा और उस लड़के से रूबरू हुई। तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला, दिल से खोजो तो भगवान ही मिल जाता है, बस आपकी फिक्र हुई इसलिए चला आया। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ, उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। अरे नहीं बैठे और बैठो और अपने बारे में कुछ बताओ, मैंने जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो वो बोला, जी मैं आकाश इस शहर में नया आया हूँ अपनी न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए। इस अनजान शहर में कोई दोस्त और रिश्तेदार नहीं, आपको देखा तो पता नहीं क्यों आपसे एक अलग ही अपनेपन वाली फीलिंग आई। ऊपर से आप है भी इतनी खूबसूरत कि किसका ध्यान नहीं जाएगा आप पर। उसकी बातें सुन मैं झिप गई। चाय पीते हुए और भी बहुत सी बातें हुई। उसने बताया कि वो एक घर ढूंढ रहा है। मुझे ख्याल आया कि मैं भी तो अपना ऊपर का कमरा किराए पर देना चाह रही थी। मैंने उसे बताया तो वो झट से एडवांस देकर चला गया। कमला ने मुझे जरूर टोका था कि ऐसे ही किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं, पर मैंने उसे कहा कि इसे मैं जानती हूँ। वो रात मेरी ना जाने कैसे बीती, बस अगले दिन का इंतजार था। सुबह हुई और डोरबेल बजी, आकाश ही होगा ये सोचकर मैंने झट से दरवाज़ा खोला, पर ये तो दूध वाला था। खैर आज संडे है तो शायद वो देर से सोकर उठा होगा, इसलिए हो सकता है दोपहर तक आए। इसी तरह पूरा दिन उसके इंतजार में गुजर गया। मुझे लगने लगा कि कमला सही कह रही है तो वो एक अजनबी ही, उस पर भरोसा करना सही है क्या। हेलो मैम सॉरी मैं लेट हो गया, सामान पैक करने में टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे दरवाज़ा खुला क्यों रखा है आपने, कोई भी अनजान शख्स अंदर आ सकता है, आज के समय में किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं, आकाश बोले जा रहा था। और मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये कहीं मुझे अपने बारे में सचेत तो नहीं कर रहा, क्या पता क्या इरादा है इसका, अपने इस बचकाने से प्यार के चक्कर में कहीं लेने के देने न पड़ जाए। मैम क्या हुआ आप कुछ बोल नहीं रही, आकाश की आवाज़ से मेरी तरांतरा भंग हुई। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, इतना कहकर मैं किचन में चली गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हुई तो देखा आकाश भी रेडी है। गुड मॉर्निंग मैम, चलिए ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मेरे ऑफिस के रास्ते में ही है आपका ऑफिस भी, आकाश ने कहा। उसकी बाइक से उतरते हुए मेरी ऑफिस कलीग रेखा ने मुझे देखा, तब तो उसने कुछ नहीं कहा लेकिन लंच के वक्त उससे रहा नहीं गया। वो बोली, वह मालिनी आज एक अलग ही ग्लो है तेरे चेहरे पर, क्या बात है, कौन था वो हैंडसम। रेखा तू भी ना, वो मेरा किरदार है, ऑफिस जा रहा था तो उसने मुझे भी ड्रॉप कर दिया। मैंने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। यूं ही कुछ दिन मन को गुदगुदाते हुए निकल गए। इसी बीच मेरी भांजी का फ़ोन आया कि वो कुछ दिन के लिए मेरे पास आ रही है। बस फिर क्या था, मैं लग गई उसके स्वागत की तैयारियों में। मैम आज कोई स्पेशल आ रहा है क्या, इतना कुछ बनाया है आपने, आकाश ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, मेरी बहन की बेटी पीहू आ रही है कुछ दिनों के लिए। गाना गुनगुनाते हुए आकाश अपनी ही मस्ती में रूम में चला गया। मुझे हंसी आ गई उसके बचपने पर। हाँ वैसे देखा जाए तो बच्चा ही तो है वो मेरी पीहू का हम उम्र, और मैं ये क्या एहसास पाले बैठी हूँ उसके लिए। मन में गलानी भी होती है लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो एक अरसे बाद फिर धड़कने लगा है। मासी मैं आ गई, पीहू की आवाज़ से मैं चौंक गई, डोरबेल की आवाज़ ही नहीं आई। दरवाज़ा किसने खोला, मैंने आकाश ने कहते हुए पीहू का सामान उसके कमरे में रख दिया। पीहू के आने से अलग ही रौनक हो गई थी घर में, आकाश भी काफ़ी घुल मिल गया था सबसे। मैंने भी ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी, देर रात तक हमने खूब बातें और हंसी मजाक किया। अरे आकाश तुम्हें कल ऑफिस जाना है ना, सो जाओ वरना आंख नहीं खुलेगी सुबह, मैंने कहा तो आकाश ने बताया कि उसने भी छुट्टी ली है। मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा लगा। मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पापा भी मुझसे मिलने आने वाले हैं, वैसे डोंट वरी वो होटल में रुकेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में ही पीहू बोली, अपने पापा को भी यहीं बुला लो ना, मेरी मौसी का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा है थोड़ी रौनक और बढ़ जाएगी। क्यों मौसी। हाँ आकाश घर के होते हुए होटल में क्यों रुकेंगे, आकाश का चेहरा खिल उठा।
पीहू के साथ भी वो काफी कंफर्टेबल था। मैंने सोचा कि हम उम्र है इसलिए दोनों सहज थे, पर मुझे एक अलग सी इनसिक्योरिटी क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी रूमानी दुनिया खो रही है। खैर, अपने दिल पर मुझे काबू रखना चाहिए। अगली रोज पीहू के साथ किचन में थी, इतने में आकाश भी आ गया और उसने जिद की कि आज खाना वो बनाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना तो पीहू ने कहा, मासी बनाने दो, कल ही कह रहा था कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, आज इसका टेस्ट ले लेते हैं। इतने में डोरबेल बजी, मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हक्की बक्की रह गई। जाना पहचाना चेहरा, बालों में हल्की सफ़ेदी, लंबा कद, एक मिडिल एज का हैंडसम बंदा मेरे सामने था। पहचाना नहीं क्या, इतना भी नहीं बदला हूँ मैं, संदीप तुम। तभी पीछे से आकाश की आवाज़ आई, पापा बहुत मिस किया आपको, लव यू। अच्छा तो ये तुम्हारा बेटा है। तभी इसे जब भी देखती थी तो लगता था कि इसे पहले भी कहीं देखा है, तुमसे काफ़ी मिलता जुलता है, आओ अंदर। संदीप ने वाकई घर की रौनक बढ़ा दी थी, वही मस्त मौला अंदाज था आज भी जो कॉलेज में हुआ करता था। काफ़ी लड़कियों का क्रश था वो, मैं भी उसके जादू से अछूती नहीं थी। वो अक्सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देता था जैसे आकाश देता है, बिल्कुल बाप पर गया है। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा उठी तो पीहू बोली, मासी आकाश के पापा कितने हैंडसम है ना, आपके तो कॉलेज फ्रेंड थे ना, प्यार कैसे नहीं हुआ आपको उनसे। तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, वैसे भी वो मेरे दोस्त नहीं, सीनियर थे कॉलेज में, काफ़ी पॉपुलर थे और फ्लर्टिंग भी करते थे, तब तो आपसे भी फ्लर्ट करते होंगे। पीहू की ये बात सुनकर ना जाने क्यों मैं ब्लश करने लगी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों आकाश को देखकर मुझे संदीप की याद आती थी। ये आकर्षण आकाश के प्रति नहीं बल्कि संदीप से मिलते जुलते उसके अंदाज के प्रति था। खैर, 5 दिन गुजर गए, हम सब साथ घूमे फिरे, एंजॉय किया। अब पीहू और संदीप की वापसी भी नज़दीक थी तो मन उदास हो चला था। फिर वही अकेलापन, आकाश के प्रति मेरे मन में जो उपाहोप की स्थिति चल रही थी वो संदीप के आने से ख़त्म हो गई थी। आकाश के कमरे के पास से मैं गुजर रही थी कि तभी उसके कमरे से पीहू की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो दोनों काफ़ी करीब थे। आकाश, अब हमको मौसी को सब सच बता देना चाहिए, पापा भी यहीं हैं, तो जो सबको ठीक लगेगा हम वही फैसला लेंगे। पीहू की बातों पर आकाश ने हामी भरी और दोनों गले लग गए। ये माजरा क्या है भला, मैं इंतज़ार में थी कि ये दोनों क्या सच बताने वाले हैं। शायद यहाँ रहते हुए दोनों अट्रैक्ट हो गए होंगे एक दूसरे से। शाम को हम सब बैठे थे, आकाश और पीहू ने कहा कि वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। मासी, दरअसल मैं और आकाश 1 साल से रिलेशनशिप में है, आकाश के पापा यानी संदीप अंकल भी ये बात जानते हैं और उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन पीहू की बात सुन मैंने कहा, तो क्या आकाश की मम्मी को एतराज़ है। इतने में ही आकाश बोला, नहीं मैम, पीहू की मम्मी यानी आपकी बहन नहीं मान रही शादी के लिए। एक पल को तो मेरा सिर चकरा गया कि ये सब हो क्या रहा है। फिर खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, आखिर सुनीता क्यों नहीं मान रही। तो संदीप ने बताया, मालिनी मेरी पत्नी को गुजरे अरसा हो चुका है और सुनीता जी को ये डर है कि मैंने आकाश की परवरिश अकेले की है और घर में कोई फीमेल भी नहीं, तो घर का माहौल और आकाश ना जाने कैसा होगा। मेरी हंसी छूट गई। मुझे हंसता देख सब हैरान थे, पर मेरा दिल जानता था कि मैं उन पर नहीं खुद पर हंस रही थी कि थैंक गॉड मैंने आकाश को अपने अट्रैक्शन के बारे में भनक नहीं लगने दी, वरना वो क्या सोचता मेरे बारे में। बाल बाल बची और मन ही मन संदीप को भी थैंक्स कहा कि उसने मेरी लाज रख ली। इतने में संदीप ने कहा, मालिनी इसमें इतना हंसने की क्या बात है, हमने आकाश को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम उसको परख सको और वो तुमको इम्प्रेस कर सके। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि सुनीता तो इतनी ओपन माइंडेड है, उसको क्या हो गया। लेकिन आप सब परेशान ना हो, अपनी बहन को मनाने का जिम्मा मेरा और संदीप जी, अब तो हम समधी बनने जा रहे हैं तो मुंह मीठा करवाइए। मेरी बात सुनकर फिर सब चुप हो गए तो मैंने पूछा कि माजरा क्या है। पीहू और आकाश ने कहा कि हम यहाँ सिर्फ अपने रिश्ते के लिए नहीं आए थे, एक और रिश्ता करवाना है। थोड़ा रुककर आकाश ने कहा, आप मेरे पापा से शादी कर लीजिए प्लीज, और मैम से मेरी मॉम बन जाइए। पापा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में आप उनकी क्रश थी और वो अक्सर आपको देखकर गाने गुनगुनाते थे, आकाश बोले जा रहा था। और मैं सोच रही थी कि कैसे किसी को बताऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। आकाश को लेकर मन में जो एहसास आए थे, भले ही वो अब नहीं, लेकिन इस रिश्ते के लिहाज से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तभी संदीप ने कहा, पहले तुम लोगों की शादी होने दो, हम अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे, शायद मालिनी शादी का मन नहीं बना पा रही। खैर, सबके वापस जाने का समय आ चुका था, मैंने भी सुनीता से बात करके उसे राजी कर लिया था। मैं फिर
अकेली हो गई थी। बस कमला आती थी, काम के साथ साथ ढेर सारी बातें करके चली जाती थी। इसी बीच संदीप का फोन आया और उसने मुझसे मेरी ना की वजह जाननी चाही। मैंने बिना किसी लाग लपेट के उसे सच बता दिया। उसने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। मैं समझ गई थी कि अब वो भी मुझसे शादी के लिए जोर नहीं देगा। तभी छुट्टी के दिन अचानक संदीप घर पर आ गया। उसके हाथों में गुलाब के फूल थे और चेहरे पर मुस्कान। मुझे फूल थमाकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने हैरान होकर उससे हंसी की वजह पूछी तो बोला, तुम कितने स्टूपिड हो, इतनी सी बात के लिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। यार तुम आकाश के प्रति नहीं बल्कि उसमें छुपे मेरे व्यक्तित्व के प्रति अट्रैक्ट हुई थी। तुम उसमें मुझे देखती थी, मुझे ढूंढती थी और अब जब मैं सामने हूँ तो पीछे मत हटो, थाम लो मेरा हाथ। संदीप ने मुझे रिंग पहनाई और मैं भी इनकार नहीं कर पाई। दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब।